नमस्ते दोस्तों, ग्रोन अप टेल्स पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो पे मैं भारत के 5 बहुत ही सफल इंसानों के बारे में बात करूंगा, जो अपने बलबूते पे अपना एक साम्राज्य बना बैठे। कुछ नहीं से बहुत कुछ बने, जीरो से हीरो बने, अपने अपने क्षेत्र पे वो सर्वश्रेष्ठ है, ग्रेटेस्ट है। दोस्तों, शायद आपके भी कोई ड्रीम है जो आपको सोने नहीं देता, पर उसको सफल करने की रास्ते पे बहुत सारे रुकावट है और फेलियर का भी डर है। पर फेलियर के बिना सक्सेस क्या है? सक्सेसफुल होने के रास्ते पे इन 5 लोगों को भी बहुत फेलियर से मुलाकात हुआ था, और कभी कभी शायद हद से ज्यादा। पर जो मंत्रा पे ये सारे लोग विश्वास करते हैं, वो इनको अपना रास्ता दिखाता चला गया और उनके सक्सेस तो आज आपके सामने ही है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया पे ऐसा कोई सफल इंसान नहीं है जिसको इस मंत्रा पे और इसके सुपरनेचुरल पावर्स पे विश्वास ना हो। तो चलिए इन 5ों की कहानी से उनका मंत्रा को समझने का कोशिश करते हैं। इसके लिए वीडियो का अंत का कंक्लूजन तक जरूर देखें। शुरू करते हैं शिवाजी राव गायकवाड़ यानी कि रजनीकांत जी से, जिन्होंने 5 साल की उम्र पे ही अपने माता को खो दिए और गरीबी के चलते पढ़ाई भी नहीं खत्म कर पाए। कुछ समय वो कारपेंटर और कूली के काम किया और फिर बन गए बस कंडक्टर। उसे जैसे तैसे उनका परिवार चलता था। इतनी गरीबी के बावजूद एक्टिंग के लिए उनके जुनून कभी कम नहीं हुआ। अपने परिवार के नाराजगी को उपेक्षा कर वो अपना जॉब छोड़कर एक्टिंग इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन किए अपने कंडक्टर भाइयों के मदद से। वो मराठी थे, उनके तमिल कुछ खास नहीं था, इसलिए उनको बहुत रिजेक्शन मिला। फिर वो अपने आप पे इतना मेहनत करे कि डायरेक्टर उनको रोल देने में मजबूर हो गए। फिर कुछ एक्शन फिल्म्स पे काम करके वो फेमस तो बन गए, पर फेलियर कहां पीछा छोड़ने वाला था। सडन स्टारडम उनको स्पॉइल करने लगा था, शराब और गुस्सा उनपे काबू पा लिया था, फ्लॉप पे फ्लॉप आता गया। क्रिटिक्स का मानना था कि उदय से पहले ही उनका अस्त हो गया, पर वो कहां मानने वाले थे। चंद्रमुखी और शिवाजी पे उनका कमबैक सबको चुप करवा दिया। उनके यूनिक स्टाइल और प्यार बांटने की अदा उनको सबसे लोकप्रिय बना दिया, और आज उनको तमिल इंडस्ट्री का भगवान माना जाता है। पर सोचिए, अगर उस दिन अपनी गरीबी और परिवार के नाराजगी की वजह से रजनीकांत जी पीछे हट जाते, अपने हार मान लेते, तो क्या होता? जब वो फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे थे, शराब के नशे में डूबे हुए थे, उन्हें लगता था कि वो जो करेंगे खराब ही होगा, तब अगर मान लेते कि यही उनका डेस्टिनी है, यही फाइनल है, तो क्या होता? शायद हमें ऐसा महान एक्टर ही ना मिलता। चलिए बात करते हैं भारत के लिए 6-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, 2012 के ओलंपिक ब्रॉन्ज विजेता मैरी कॉम जी के बारे में। एशियन गेम्स से लेके कॉमनवेल्थ, हर जगह बॉक्सिंग के अरेना पे वो भारत को एक नंबर स्थान पे लेके गए। अर्जुना पद्मश्री, पद्म भूषण से लेके भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, और ना जाने कितने सम्मान से वो विभूषित हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो जिस गाँव से है, वहाँ पे दिन भर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलता था, नियमित राशन मिलना भी मुश्किल था। उनके माता पिता किराए पे खेती करते थे, और वो भी उस काम पे उनके हाथ बटाते थे। बचपन से ही स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट था, पर बॉक्सिंग पे इंटरेस्ट आते ही पापा ने मना कर दिया। मार खा के लड़की की मुंह बिगड़ जाएगा तो शादी कौन करेगा? और चोरी छुप के अपना पैशन को जिंदा रख के वही लड़की अपने देश के लिए 3 बार लगातार बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। पर स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। 2005 में उनका शादी हुआ, वो 2 बच्चे का माँ बने। सबने सोच लिया कि यही इनके करियर के दी एंड है, सिवाय एक पर्सन के, द मैग्निफिसेंट मैरी। वो सिर्फ वापस नहीं आए, 2008 और 10 पे फिर से अपना 4था और 5वां वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली। 2012 लंदन ओलंपिक्स में महिलाओं के बॉक्सिंग अंतर्भुक्त हुआ, तो वहाँ पे भी अपने देश को ब्रॉन्ज ला के दिए। उससे भी 6 साल बाद 2018 पे, जब सब सोच रहे थे कि मैरी जी अब 36 साल के हो गए है, वो शायद बॉक्सिंग ग्लव्स को अभी अलविदा बोलेंगे, तभी वो कॉमनवेल्थ गेम्स पे गोल्ड और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6ठी बार के लिए जीत लिए। ये ना भूले कि पिछले 2 साल से वो पार्लियामेंट का भी एक्टिव मेंबर है। गरीबी था, माता पिता नाराज थे, शादी हो गया, माँ बन गए, एमपी भी बन गए, पर एक पल के लिए भी अपने पैशन के आग को बुझने नहीं दिया। अब बोलिए दोस्तों, व्हाट इज योर एक्सक्यूज? खैर, तीसरे नंबर पे आते हैं भारत के और एक दिग्गज, महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन क्रिकेट का एक ऐसा कप्तान जिनके पास सारे ICC ट्रॉफीज है। उनके सबसे बड़ा हेटर भी उनके महानता के लिए उनको सैल्यूट करेंगे, पर वो भी देश के शायद सबसे अंधे की जगह से बिलोंग करते हैं। एक ऐसा फैमिली से आते हैं जिनका ना था पैसा और ना ही बड़ा जान पहचान। कुछ था तो वो था सिर्फ गरीबी। नया बैट खरीदने का भी पैसा नहीं मिलता था, टूटा हुआ बैट को ही मरम्मत करके खेलते थे। पापा इनके भी नाराज थे, घर का सपोर्ट भी उतना नहीं था, अपने स्टेट क्रिकेट बोर्ड के लोगों से भी धोखा मिलता था, और अपने लंबे बाल के लिए बहुत सुनने को मिला। जब रेलवे पे TC का नौकरी लगा, तब प्रैक्टिस करने का टाइम काम करते करते निकल जाता था।
फ्रस्ट्रेट हो गए, नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिए तो घर वाले फिर से नाराज हो गए। अपना परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स के दरवाजे कितना भी खटखटा लो वो नहीं खुलता था, पर अपना माही इन सब से थोड़ी टूटने वाले थे, वो तो तोड़ने वाले थे सिलेक्टर्स के दरवाजे। जब उनके बल्ला बोलने लगा वो लंबे बाल उनके शान बन गए। कप्तान बनके एक के बाद एक 2007 के T20 वर्ल्ड कप, 2011 के ODI वर्ल्ड कप, टेस्ट पे नंबर वन, चैंपियंस ट्रॉफी, चेन्नई को लगातार IPL पे चैंपियन बनाना। क्रिकेट का ऐसा कोई ट्रॉफी बना नहीं था जो उनके कैबिनेट पे ना हो। अपने 14 साल के कैरियर पे कहीं प्रतिकूलता है, अपने प्रियजन को खोना, मीडिया और क्रिटिक्स का परेशान करना, सब कुछ उनको तोड़ा जरूर, पर टूटने के बाद फिर उठ के खड़ा होने का नाम ही शायद महेंद्र सिंह धोनी है। चौथे नंबर पे आते हैं भारत के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक, मोटिवेशनल स्पीकर और यूथ आइकन संदीप महेश्वरी। वो लोगों के आत्मविश्वास बढ़ाने का और उनके लाइफ आसान बनाने का मिशन पे है, आसान है, जिसके लिए देश भर के लोग उनको बहुत प्यार देते हैं और उनको रोल मॉडल मानते हैं। सच्ची में उनके बात सुन के जैसे आंखें खुल सा जाता है, सब कुछ क्लियर लगने लगता है। पर दूसरे मिडिल क्लास लोगों के तरह एक समय लाइफ में उनका भी क्लियर कोई गोल नहीं था, जो था वो है सीखने का इच्छा और ईमानदारी। स्कूलिंग खत्म होने से पहले ही उनका पारिवारिक व्यापार टूटने लगा था और उनपे बहुत जल्दी ही कुछ करने का दबाव आ गया था। इस समय वो मैनेजमेंट सीखने से लेके रास्ते पे साबुन बेचना सब कुछ ट्राई किए, पर हर जगह फेलियर ही मिला। वो फॉर्मल एडुकेशन से ज्यादा कुछ सीखने का जरूरत महसूस किए तो तीसरा वर्ष पे ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दी। वो मॉडलिंग भी ट्राई किए पर वहाँ से उनका इंटरेस्ट गया फोटोग्राफी पे, वो भी कुछ खास नहीं चला तो उसको भी छोड़ दिए, यहाँ तक कि उनको अपना कैमरा भी बेचना पड़ा था। फिर उन्होंने 10 घंटे और 45 मिनटों पे 122 मॉडल्स का 10,000 फोटोग्राफ्स लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, जिससे वो दिल्ली के सबसे बिजीएस्ट फोटोग्राफर बन गए। पर उन्हें इससे भी बड़ा कुछ करना था तो वो फिर से अपना कॉम्फर्ट जोन छोड़ के स्टॉक फोटोग्राफी करने लगे। 2006 पे उन्होंने इमेजेस बाजार वेबसाइट लॉन्च की, जो शुरुआत पे ही एक डिजास्टर साबित हुआ। कोई भी प्रोग्रामर उसका हल नहीं निकल पाने पे वो खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे और अपने वेबसाइट को खुद रस्ते पे लाए। वही इमेजेस बाजार आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडियन कॉन्टेंट का स्टॉक वेबसाइट है। अगर सीखने की इच्छा और कुछ कर जाने की जुनून हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। उनकी तरह और एक इंसान जिनके फिनेंशियल बैकअप कम होने के बावजूद वो कॉलेज ड्रॉप आउट करके बैंकॉक चले गए मार्शल आर्ट सीखने। वहाँ वेटर का काम करके वो अपना ट्रेनिंग को सपोर्ट किए और वही इंसान आज सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं राजीव भाटिया यानी कि अक्षय कुमार की। लाइफ उनको भी कई सारे रंग दिखाए। थाईलैंड से ताइक्वांडो का ब्लैक बेल्ट लेके वो भारत तो वापस आ गए, पर यहाँ पे कोई उनका वैल्यू ही नहीं दिया। तब वो कभी कलकत्ता पे पियोन का काम किए तो कभी ढाका पे सेल्समैन का काम। फिर उनको मुंबई पे एक मार्शल आर्ट टीचर का जॉब मिला। उनका फिजिक अच्छा था और वो ठीक ठाक भी दिखते थे तो लोगों ने उनको मॉडलिंग में ट्राई करने का सलाह दिया। कैसे थोड़ा ज्यादा पैसा लाया जाए उसके लिए वो सारे तरीके अपनाते थे, ये भी अपनाए। अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो 1.5 साल तक एक फोटोग्राफर का असिस्टेंट का काम किए। जिंदगी उनके तरफ पत्थर पे पत्थर फेंकता गया और वो उनको स्टेपिंग स्टोन बनाते गए। ऐसा ही और एक पत्थर के तरह उनके पास फिल्म में काम करने का मौका भी आ गया और उसके बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। अपने हार्डवर्क के दम पे आज वो वेटर बॉलीवुड का टॉप एक्टर्स में से एक है। आप सोचिए, वो चाहते तो मार्शल आर्ट का टीचर बन के रह सकते थे, पर वो उनको मंजूर नहीं था। इससे आयुष्मान खुराना जी के एक लाइन याद आ रहा है, कुछ नहीं मिलता है दुनिया पे मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया मुझे धूप में आने के बाद मिला। बात यही है ना, जो 2% सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्हें सबसे ऊपर पहुंचने का जुनून है, उसे आप चाहे 1,000 प्रॉब्लम्स दे दीजिए, वो उनको फाइट करेंगे। चाहे वो प्रॉब्लम्स उनको घुटने टेक दे, उठा के फेंक दे, वो उठ के फिर से एक बार कहेंगे कि चल एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और जिनको जीतने का जुनून ही नहीं है, उनको एक ही प्रॉब्लम दे दीजिए, वो शायद लड़ना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम का ही उनको खोज था, ताकि वो उसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर पाए और अपने कंफर्ट जोन पे वापस जा पाए। यही डिफरेंस है ना। किसी भी आदमी को सक्सेस गले लगाने से पहले फेलियर से चाटा खाने को मिलता है, 1, 2, 10, 100 या फिर 1,000। किसी किसी को उस चाटे से डर लगता है, कोई 10 चाटे खा के 10 बार गिरने के बाद कंफर्ट जोन पे वापस चले जाते हैं। और कोई कोई ऐसा भी होते हैं जिनको ये चाटे और उनके घाव और भी मोटिवेट कर जाते हैं, इतना कि सक्सेस का उनको गले लगा लेना बहुत जरूरी हो जाता है।
जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि फेल होने से मत डरिए। फेलियर तो आप तब बनेंगे ना जब आप ट्राई करना बंद कर देंगे। ट्राई करिए, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। स्मार्ट सोचिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि सक्सेस आपको वहाँ ही मिलेगा, गिव अप करने से नहीं। यही मंत्र है ये 5 लोग और दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों के। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, मेरा प्रयास से आपको मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलर देखने के लिए ग्रोन अप टेल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, गिव अप मत कीजिए, ट्राई कीजिए, आपके अच्छे दिन आपके लिए वेट कर रहा है। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।